हमारे जीवन में हम अक्सर सही वक्त की ही खोज में रह जाते हैं। सोचते हैं कि ये काम कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, और वक्त हाथ से बीतता जाता है और हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। बचपन एक ऐसा समय था जहाँ चाहकर भी हम में वो शक्ति नहीं थी कि हम कुछ कर सकें। बुढ़ापा एक ऐसा समय है जहाँ समझ तो है मगर सारी शक्ति खो चुकी है। जो भी शक्ति है हमारे पास हमारे इस युवा स्थिति में ही है। बचपन का जोश और आगे आने वाले कल की समझ को लेके हमें जो भी करना है इस युवा अवस्था में ही करना है। तो चलिए ध्यान में बैठते हैं, एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, कमर सीधी रखें, हाथों को अपनी गोद में रख लें, चेहरे पर एक मन सी मुस्कान रहने दें और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें, सिर्फ अंतर मन में झांकें। और अब एक लंबी गहरी सांस भरें और इसे कुछ पल रोक लें। सांस को छोड़ते हुए अपने शरीर को पूरी तरह ढीला होने दें, एक आरामदायक स्थिति में जाने दें। एक और लंबी गहरी सांस भरें और इसे रोक लें और देखें किस तरह से ये सांस आपके शरीर में प्रवाहित हो रही है, आपके शरीर को ऊर्जा दे रही है। और मुंह से सांस छोड़ते हुए शरीर को बिल्कुल हल्का होने दें, सारी मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें, शरीर में स्थिरता ले आएं। एक और लंबी गहरी सांस भरें और सांस को अंदर रोक लें। अब सांस छोड़ते हुए अपने पैरों को, हाथों को, चेहरे की मांसपेशियों को, सबको ढीला छोड़ दें। सांस निरंतर अंदर और बाहर जाने दें और देखिए कि सांस कितनी गहरी है, कितनी लंबी है ये सांस। हर सांस को छोड़ते हुए अपने शरीर से तनाव को और दूर करते जाएं। मांसपेशियों में किसी भी तरह का तनाव हो उसको बाहर बहने दें। देखिए कि आपके सर के ऊपर एक सफेद रंग का दिव्य प्रकाश बहना शुरू हो गया है। एक तेज धारा की तरह ये ऊपर से नीचे आपके सर के अंदर दाखिल हो रहा है। आपके सर के ऊपर से अब ये धीरे धीरे आपके भौहों के बीच, आपकी तीसरी आंख के बीच आ रहा है। अब ये धारा नीचे की तरफ आपके गले, आपके गर्दन के बीच में आ गई है। आपके गले के बीच स्थित विशुद्धि चक्रा पर ये आ गई है। इस विशुद्धि चक्र से आप अपने आप को व्यक्त कर पाते हैं। इस दुनिया में क्या हो रहा है, उन सारी चीज़ों को देखकर आपके अंदर क्या विचार आते हैं, आप उन्हें व्यक्त कर पा रहे हैं। देखिए कि ये चक्र भी पूरी तरह से अब इस दिव्य धारा से साफ होता जा रहा है, प्रकाशित होता जा रहा है। और अब ये धारा और नीचे आ रही है, ठीक आपकी छाती के बीच, आपके हृदय चक्र पे। और इस चक्र को भी ये पूरी तरह से साफ कर रही है। किसी भी तरह की कालिख अगर यहाँ है, तनाव है, दुख है, दर्द है, तो ये धारा अब इस पूरे हिस्से को साफ करते हुए, सफ़ेद ऊर्जा से प्रकाशित करते हुए आपके पेट के ऊपर की तरफ आ रही है। ये आपका मणिपुर चक्र है। इस चक्र की वजह से आपके अंदर सदा ही शक्ति भरी रहती है। अपने विचारों को कोई भी रूप देने की शक्ति आपका यही चक्र देता है। इस चक्र में भी किसी भी तरह का तनाव हो, थकान हो, तो अब उसे जाने दीजिए। नीचे की तरफ ये धारा और नीचे जा रही है, आपकी नाभि को साफ करते हुए अब ये नीचे आपके पेट के निचले हिस्से तक आ रही है।
ये है आपका स्वाधिष्ठान चक्र, वो चक्र जो आपकी सकारात्मक ऊर्जा को नियंत्रित करता है, आपकी कल्पना को नियंत्रित करता है, आपके अंदर एक नया जोश और जज्बा बना के रखता है। आपकी रचनात्मक क्षेत्र का हिस्सा है ये, और जैसे जैसे ये साफ होता जाता है, आपकी कल्पना एक नई उड़ान भर पाएगी। और अब ये शक्ति धीरे धीरे नीचे और नीचे, बिल्कुल आपकी रीढ़ की हड्डी के सबसे अंतिम हिस्से में जा रही है, आपका मूलाधार चक्र, जो जिम्मेदार है आपके इस भौतिक जीवन के लिए, आपके विचारों के लिए, आपके भय के लिए, आपके डर के लिए, जिन चीज़ों में आप अपना अभाव महसूस करते हैं उन चीज़ों के लिए, और उसको भी साफ करते हुए ये आपके अंदर से सारे भय को, सारी हीन भावना को माफ करते हुए, साफ करते हुए धरती में जा रही है। देखिए किस तरह से आपका पूरा शरीर साफ हो चुका है, प्रकाशित हो चुका है। देखिए शरीर पूरी तरह से शांत और साफ महसूस हो रहा है। जो भी कल का था वो कल में चला गया, अब सिर्फ आने वाले पल के लिए आप तैयार हैं। ये ऊर्जा का स्नान है, इस ऊर्जा के स्नान को आप रोज जरूर करें। कुछ पल इस स्थिति में रहें और देखिए आपका शरीर किस तरह से प्रकाशित हो रहा है, दिव्य शक्ति से ऊर्जामान हो रहा है और पूरी तरह से शांत हो चुका है। धीरे धीरे अब हम वापस आएंगे इस नई स्फूर्ति और ऊर्जा के साथ। अपनी दोनों हथेलियों को अब आपस में रगड़िए और अब इसे अपनी आँखों पर रखते हुए आँखें खोलिए, और स्वागत है आपका नए नज़रिए से दुनिया को अब जीने के लिए आप तैयार हैं।